कैसी है मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की जो मेरी वीडियो है, लोकल और ब्रांडेड ड्रेस में क्या फ़र्क है। चाहे फ़र्क 18-20 का हो, चाहे 19-20 का हो, फ़र्क तो फ़र्क ही होता है। और हमारे माशरे में दो टाइप की खवातीन होती हैं। एक वो होती हैं जिन्होंने पूरा बाजार घूम ले रहे हैं और चीज़ें उन्हें पसंद ही नहीं आती और कख नहीं कुछ घर लेकर आती, और सेकेंड वो होती हैं जिन्होंने जाना है पसंद करके चीज़ें घर ले आनी है। तो जी आज मैं बात कर रही हूँ लोकल और ब्रांडेड ड्रेस के बारे में। यहाँ पर सारी बात आती है पॉकेट की, कि इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है, वो लोकल कर सकता है या ब्रांड कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर मैंटेलिटी है कि यार अच्छे भले पैसे होने के बावजूद भी वो सोच नहीं ख़त्म होती, यार हमें 4000 का एक सूट लेना है तो वही हम 4000 के दो सूट ले लेते हैं। बात यहाँ पर 4000 के दो सूट लेने की नहीं है, बात यह कि आप जो सूट ले रहे हो उसका फैब्रिक मटीरियल क्या है, उस कपड़े की क्वालिटी क्या है। और क्योंकि ब्रांड के जो कलर्स होते हैं ना, वो कॉपी से बहुत डिफरेंट होते हैं। देखिए, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, कॉपी कॉपी होती है। ये है जी मेरा बोनेंजा सतरंगी का सूट विंटर फैब्रिक का, और ये मैंने लिया था 2480 का, अराउंड 2500 का, हर पेट्रोल पे तो लगा था ना। तो ये है जी इसकी मॉडल कॉपी। अब जो इसके कलर्स हैं, अब जब मैं वो ट्राउज़र लूँगी तो डेफिनेटली मुझे खपना तो पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड्स के जो कलर्स होते हैं वो लोकल के बहुत डिफरेंट होते हैं। अब 19-20 का फ़र्क या 18-20 का फ़र्क इसमें ज़रूर आएगा। और जो इसका फैब्रिक मटेरियल है बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट स्लब खदर है, चुभने वाली नहीं है। और ये साथ में इसका दुपट्टा है, और साथ में इन्होंने ये पूरी पीको भी की हुई है, सिंपल पीको, और ये विस्कोस का है। तो जी सेकंड है मेरे पास सेम शर्ट सेम ट्राउज़र जो आजकल बहुत चल रही हैं, कोरसेट। ये है जी ईडन रोग का, इतना सॉफ्ट ये भी फैब्रिक है, ये भी विंटर फैब्रिक है, और इतना ज़बरदस्त ये प्रिंट है। और मैंने इन दोनों सूटों को मैंने श्रिंक भी किया है, और मजाल है कि इसका कोई कलर उतरा हो। सूट स्टिच करवाने हैं तो टेलर ने 1200 से 1500 तक स्टिच लाजमी लेनी है, और वो इतनी हो भी चुकी हुई है। अब ज़ाहिर बात है पाइपिंग के पैसे अलग होंगे, उसकी लगवाई के पैसे अलग होंगे। अब जो इसकी नेक डिज़ाइन है वो इसकी इस तरह से है, वी शेप है, लेकिन मुझे ये वाला गला नहीं बनवाना। मैंने एक गला जो है वो सेव किया हुआ, मैं अपने टेलर को वो दूंगी, वो बनाएगा, उसके पैसे वो चार्जेस अलग लेगा। तो लेकिन मुझे ये पैसे लगाने में दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल है वो आउट क्लास है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इस ब्रांड की। और ब्रांजा के मैंने कई ऐसे मैंने ड्रेसेस लिए हुए हैं, मैंने उनके रेडी टू वेयर भी लिए हुए हैं, मैंने उनके अनस्टिच भी लिए हुए हैं, और मुझे किसी किस्म का इस पर कोई क्लेम है ही नहीं कि यार इनके फैब्रिक अच्छा नहीं है। बहुत अच्छे इनके फैब्रिक होते हैं। लेकिन जब हम लोकल की बात करते हैं, आप लोकल भी 1000-1200 का सूट लोगे, ऊपर से आप उसकी 1000-1200 सिलाई भी दोगे, तो डिफरेंस तो है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है लोकल और ब्रांड का। डेफिनेटली एक आउटलेट और इस बीम पे परे हुए ब्रांड में फ़र्क तो होता ही है। अब वो जो आंटी जो बाज़ार जाती हैं, शॉप पे जाके बैठ जाती हैं, सारे सूट निकलवाती हैं, फैब्रिक चेक करती हैं, पसंद नहीं आता फिर दूसरी शॉप में जाती हैं, वहाँ जाके बे कुछ करती हैं, इनका मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जिनको मेरी वीडियो की समझ आई है, जो ब्रांड पहनते हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो मैंने कहा है वो सही है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।